नमस्ते, हम वीरेंद्र अमन। आइ हम सब अतिथि के रूप में आमंत्रित कयने छी जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद शाह, जे ई चुनाव जे भ रहल छै उद्योग वाणिज्य संघ के, ओहि चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार छथि। हिनका संगे हम सब जनकपुर के उद्योग व्यवसाय के समस्या और निर्वाचन पर केन्द्रित भक गपशप करब। सबसे पहले स्वागत करी जितेंद्र जी के। जितेंद्र जी स्वागत। नमस्ते। सबसे पहले हम संपूर्ण उद्योगी व्यवसाय आ अपने के नमस्कार करी छी। सबसे पहले चुनाव में अखन बहुत रास बात सब उठी छे जी, है ना, तो सब पर केन्द्रित भक हम सब बात करब। कखन अहाँ के प्रिय लाग सके, कखन नहीं लाग सके। अपने महासचिव रह दिए, तकर बाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनलिए, खास कर के उद्योग वाणिज्य संघ के निर्वाचन में कोनो न कोनो हिसाब से संलग्न होइत रहलिए। की मुद्दा रहले व्यापारी सबके जनकपुर के, की रहले समस्या रहले जे समाधान नहीं भ सकले, अहाँ के नेतृत्व में फिर घोषणा के लिए हम चुनाव लड़ब, ये बात आब के विषय भेली की छे? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न पूछलिए। सबसे पहले महासचिव आ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने अजन जनकपुर धाम में हमरा उद्योगी व्यवसाय सब, सबसे पहले हम कोषाध्यक्ष सेहो छलिए, कोषाध्यक्ष, ओके बाद महासचिव, अभी छी वरिष्ठ उपाध्यक्ष। सब उद्योगी व्यवसाय सब हमरा जोन हिसाब से, मतलब लगातार में हम तीन टर्म से सेवा दैत आ रहल छी। रहले उद्योगी व्यवसाय के समस्या पहिलहू छलै है, अभियो है, आबे वाला समय चुनौतीपूर्ण सेहो छै। ताहि लेल एहिमे अभी व्यापारी आ उद्योगी व्यवसाय सबके जोन हिसाब से आब जनकपुर धाम राजधानी बनऽ जा रहल छै, राजधानी बने गेल छै, आब राजनीतिक दल सबके एगो ठप्पा मात्रे बाकी छै। ओ लगला के बाद जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के पुल के काम करऽ पड़तै। राजनीतिक हिसाब से तो सब अपना तरफ, वो अपना तरफ खींचलक, वो अपना खींचब खींचलक, वो अपना तरफ खींचलक, इ तो निरंतर लागल रहै छै, सब अपन अपन प्रयास में रहै छै। लेकिन जनकपुर दो धाम उद्योग वाणिज्य संघ इस सब राजनीतिक से हट कर एगो विशुद्ध उद्योगी व्यवसाय के संस्था छै, जे विशुद्ध रूप से जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ में जे नेतृत्व करै छै, वो व्यापारी के हक हित आ जनकपुर के विकास के, पर्यटन के, एहि सब पर जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ विशेष ध्यान देव पड़ै छै। अपने विगत में देखले छलिए हम कोषाध्यक्ष देव पड़ै छै, देने नहि छै, नहि से कहबै सेहो नहि होतै। हमर पूर्व अध्यक्ष जी सबके बहुत बड़का एहि सबमे देन छै, जे जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ में जे हुनकर सबके नेतृत्व भऽ चुकल छै, ओहो सब बहुत रास केले। आब पहिले देखो विकास के क्रम धीरे धीरे अगाड़ी बढ़ै छै। पहिले अपना सबके बाबूजी धोती लगबै छल, लुंगी लगबै छलन, धोती लगबै छलन, फिर बहुते रास बात अलै। आब अपने के फुल पैंट, सूट, टाई, बूट, कोट सब आ गेलै। तऽ जिनकर नेतृत्व जोन समय में जे छलै, सबके सबल नेतृत्व छलै आ सबके वजह कुछ न कुछ योगदान छै। एहिमे तऽ मतलब ई नहि कह पड़लै कि ओ नहि अयलै, मतलब अपने के देखियौ पहिले जनकपुर कते छोट छलै ने, पहिले जनकपुर बहुत छोट छलै, एतबे दूर में व्यवसाय छलै। तऽ हमरा जाइए जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के 2009 साल में स्थापना भेल छै। तऽ पहिले हमर सबके देखल हम सब धियापुता छलियै, तऽ अपने देखै छी पुराना बाजार सोनरपट्टी, सोनरपट्टी में एकर ऑफिस छलै जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के। एते भौतिक संरचना सब नहि छलै। सोनरपट्टी में जे अभी अपने यहाँ पवन इम्पोरियम जे देखै छियै, वही में हमरा घर के ठीक सामने में छै, वही में छलियै। तऽ वही में हम मेयर साहब सबके देखै छलियै, स्टाफ सब, वही में हमहुँ जाइ छलियै, ओतबे दूर छलै तऽ ओहि कुर्सी पर हमहुँ सब बैठल छलियै। आब देखियौ धीरे 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 आय के स्ट्रक्चर, आय के संरचना, भौतिक संरचना सब हुनकरे सबके देन छै ने। तऽ विस्तारे विस्तारे मतलब ई सारा क्रम बाय क्रम अलै। अपने देखियौ रेलवे के अथी देखियौ, पहले जनकपुर धाम के बाद देखियौ, अपने अयोध्या से जनकपुर कॉरिडोर के देखियौ, ई बात उद्योग वाणिज्य संघ आ ई कस्टम के देखियौ, ई बात अहाँके बहुत दिन अगाड़ी से ई बात सब चलैत आबै छलै। लेकिन सब चीज पर धीरे 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 जेहन सरकार के नीति बनलै, जेहन समय के माहौल बनलै, पहले एते बजट नहि छलै, एते रुपया नहि छलै, लोक के अपनो लगानी लगाबै पड़ै छलै,
अपने जनकपुर धाम उद्योग वाणी संघ के देखियो पहले चुंगी कर छलिए वैसे आमदनी छलिए तो सारा भौतिक संरचना सब जो बनल छे वैसे बनल है वही में हमर पूर्व अध्यक्ष जी सबके बहुत बड़का देन छे। आब देखियो वो सब सरकार के तरफ से वो अहाँ के सिस्टमे हटा दिल गए पूरे ऑल नेपाले में हटा दिल गए खाली जनकपुरे के नहीं मुद्दा पड़ गई तो वो सिस्टम आब हमरा सबके पहले कोनो भी भैट ऑफिस में हो चाहे कर कार्यालय में चाहे बैंक में हो ऋण लेवे लगी हो तो उद्योग वाणिज्य संघ के अपने के सिफारिश लेवे टा पड़े छे। आप उद्योग वाणिज्य के ऐसे सरकार वंचित कर दिल के तो निश्चित रूप से की है कि व्यापारी के आ उद्योगी व्यवसाय आ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के कनिका बिछौरौनापन तो संबंध जे पुरान जे पहले पुरान छले से कनिका हट चुकल छे। आब लोग सब सोची हम व्यापार संघ में व्यापार संघ के मतलब ई भेले कि व्यापारी के राहत हो पड़े ने व्यापारी के राहत के बावजूद जनकपुर धाम के विकास पर जनकपुर धाम के संरचना पर जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के नेतृत्वकर्ता के आप सबसे बड़का ध्यान एक बात हम की बुझ चाहे जना हम जो हमरा याद है तो ऐसा पहिने अहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष में लड़ली ओहू समय में हम अहाँ के संगे अंतर्वार्ता कयने रही जी जी ओहू समय में एक बात हम उठेने रही जे व्यापार संघ के भूमिका जे छै से कतौ ने कतौ गौण के अवस्था में देखाई दै छै एकटा सस्ता बाजार लगा कऽ या दसैं बाजार लगा कऽ ओ अपना के कर्तव्य से इति श्री बुझै छै ओहि के बीच बाहेको कोनो काज नहि करै छै व्यापारी के झगड़ा मिला दैत होइ ओ एकटा पक्ष है। इहो अहाँ निर्वाचित भेली तै के बाद तीन वर्ष के कार्यकाल अहाँ के फिर निर्वाचन भरल छै लेकिन ई तमाम अवस्था में देखाई इहे दऽ रहल छै जे दसैं बाजार के बाद व्यापार महासंघ के या जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के कोनो काम नहि छै। अपने दसैं बाजार के चर्चा ले ली ठीक ले दसैं बाजार से एगो बाजार के व्यवसाय है कनी फस्टाई छे अपने देखले हो विगतो वर्ष में अपने देखले हो जे अभी राजनीतिक पूर्वाग्रही आ राजनीतिक उथल पुथल अभी हमरा बुझाइए 5-6 बरस से निरंतर जनकपुर में चालू छे। जब ही कोनो पर्व त्यौहार अभी है कोनो बढ़िया व्यापारी के कमाई के सीजन अभी है लगन पाती अभी है वही समय में अपने के एगो न एगो या तो भगवान के कहर आ जाए है या तो राजनीतिक कहर आ जाए व्यापारी कतो के व्यापारी लगानी लगबे व्यापारी कर्जा में पूरे अथी लिटिंग भ गेल छे। बैंक के स्टेटमेंट देखियो बैंक में देखियो जाके हरेक व्यापारी आय के दिन में कर्जा में अथी छे। व्यापार व्यापार संघ के चुनाव के एकरा एना बुझल जाए व्यापार संघ के चुनाव में राजनीतिक पार्टी सब के कते हस्तक्षेपकारी भूमिका होइ छे। देखियो निश्चित रूप से व्यापार संघ में जते भी पदाधिकारी है हम चाहे कोई सब आदमी एगो न एगो ये हम कभी कि नहीं कोई आदमी नहीं कुछ हो सब राजनीतिक कोनो न कोनो राजनीतिक दल से जुड़ल जरूर रहे छे। लेकिन हमर ये कहना है कि जुड़ल बावजूद तो अई जब व्यापारियों में बहुत जुड़ल होते निश्चित रूप से होते लेकिन व्यापार संघ के काम में प्रत्येक दल प्रत्येक राजनीतिक दल से समन्वय मिला के चले पड़े तो अई में जाले तक जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ राजनीतिक दल आ जे सत्ता में है उनका से तालमेल मिला के नहीं चलते तो पुल के काम केना होते पुल के काम कर लागे सबसे संबंध मिला के चले पर तब ये जनकपुर के विकास में टेबा होते उन करे सबके सहयोग से न सारा चीज हम सब एगो पुल के काम करे हम सब व्यापारी छी। हम सब कोन पार्टी के उम्मीदवार छी? हम सब कोनो पार्टी के उम्मीदवार नहीं छी हम व्यवसाय के उम्मीदवार छी। हम जो अच्छा छी तो व्यवसाय हम रहन छी पार्टीगत हिसाब से हम वोट नहीं मांग लिया आ न कहियो मांगब न पार्टीगत हिसाब हमरा में देखब न हमरा में जातिगत हिसाब देखब हमरा सब जात सब वर्ण से हमरा दोस्ती है सबसे हम व्यापार संघ के चुनाव में एक सबसे बड़का विडम्बना या ओकर जो निर्वाचित स्ट्रक्चर जो बने छै ना ओय स्ट्रक्चर में देखाई की दै छै वो समावेशी चरित्र के नै छै जी ई त छै अहाँ सब जे मनोनीतो करै छियै त मनोनीतो करै छियै मानू अहाँ के वोट त महेंद्र नगर से दैए ढलके बर से दैए जतय जतय व्यापारी छै ओ मेंबर छै सब दैए लेकिन अहाँ सब मनोनीत करै छियै जनकपुर में जाके केन्द्रित भए जाइ छियै एकटा जाति में जाके केन्द्रित भए जाइ छियै ई व्यापार संघ के सब दिन के दाग है ओ मेटाबे नहि सकि रहल छै व्यापार संघ। अपनेके हम बहुत अच्छा प्रश्न अभी लेलियै एहिके लेल हम बहुत अपनेके धन्यवाद देबे लागि चाहै छी कि एहन एहन प्रश्न पूछऽ के चाही हम जवाब दै छी अपनेके। एहि बेर हमसब विधानो में आब आ गेल है दलित के है ना उनको रख ले छिए हाँ ब्राह्मण है उनको रख ले छिए
अपने के मुस्लिम है उनको रख ले छे, महिला है उनको रख ले छे, इनकी बाजी सब समुदाय से वही में हम सब मनोनीत कर ले छे। हाँ, आप अपने एगो बात कहलिए कि महेंद्र नगर है, सबैला है, फलाना फलाना और धारा पानी सब के नाम लिए, वीरेंद्र बाजार के नाम लिए, सारा है जिले के, सोचू ना नगराइन है, मुखियापट्टी मुसरनिया है, अब दो चार जगह अब उद्योगो वाणी संग खुल गए, उनकर नगर उद्योग वाणी संग ई भ गए अपने के जिला उद्योग वाणी संग। तो अमे की है कि सत्तर के वोटर है अपने के, अभी अपने देख लो कि बहुते व्यापारी के व्यापार संग पर ओते ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, हम अपने मनन कर, हम पदाधिकारी छी, के दोषी कहूँ ना कहूँ हमू होबे, हम दोसर गोड़ा के आरोप नहीं लगेबे, हम अपने आरोप लगे, हम अपने चिरबे तब वही में निखारत, दोसर ई है वो है दोसर के टिप्पणी कैला से नहीं हुई, हमर अपन सुधार, हम अपन विचार अपने रखबे। तो वही में अहाँ के हमरा बहुत अच्छा है, हम एक बार पूरे में सब चीज सोच ले छे, हमर आदरणीय अग्रज जी सब वो हमरा ये बात के हमेशा ये अथी देखबत रहिए कि यही हिसाब से अपना सके बौआ तू अब तो तोरा चल पड़तो। अमे आब अपने जे कहले तो हरेक जगह के एगो प्रतिनिधि, जना धारा पानी भेले, सबैला भेले, है ना, महेंद्र नगर भेले, अइ जे के पहिलो हमर आदरणीय पूर्व अग्रज सब एना करे छलखिन, तो तहिया वही सब तर वाणी संग नहीं छले, तो ओना कर छले, आब हमहु उनकर सबके अनुसरण करके हम व्यक्तिगत हम अगर जीत के अबे तो प्रत्येक गांव से एगो प्रतिनिधि वही में हम जनकपुर उद्योग वाणी संघ से विधाने में हम लाबे के व्यवस्था करबे, हमरा बुझाइए अ के सब व्यापारी अनुसरण करथिन। आ ई काम कैला से की होए के आबे वाला समय संगठनात्मक रूप से शक्तिशाली भी होए, व्यापारी शक्तिशाली रहते तो ओना ही सब चीज होते। नहीं, एक बात और कहूँ ना, जना अहाँ सबके जनकपुर की अगर समग्र अवस्था के बात करिए तो जनकपुर में एक व्यापार सामान्य हिसाब से जेना तेना चले चले, चलला के बाद में चुनाव भेले, चुनाव भेला के बाद में सड़क विस्तार भेले, सड़क विस्तार भेला के बाद के अवस्था की भेले, तो अहाँ सब जाकर दबाव दिलिए जे घर तोड़ू, अहाँ सब जाकर डेलीगेशन जाकर दिलिए जे घर तोड़ू, कोई के बाद के परिस्थिति की भेले जे घर टूटले, क्षति भेले, उ तो एक पक्ष में भेले, घर भाड़ा जनकपुर में बढ़ गेले, तै के बाद अहाँ के व्यापार ट्रैक पर नहीं अलग, एक के बाद कोरोना कहर देखल गेले, कोरोना के बाद अहाँ के एक वर्ष मोटा मोटी व्यवसाय चौपट भ गेले, अखनो धर चौपटे के अवस्था छे, बॉर्डर नहीं खुलल छे, अवस्था छे, तो अवस्था ई जनकपुर के भ रहल छे जे कतौ एक आदमी हमरा भेटल रहे जे कहलक जे हम जनकपुर छोड़ देली, ई अवस्था है, सड़क विस्तार भेले, घर टूट गेले, लोग सब भागत चाहे छे, भाड़ा बढ़ गेले, हमरा सिंधुली में बढ़िया व्यापार भ रहल है, वर्दीवास लोग जा रहल छे, धीरे धीरे जनकपुर के व्यापार पलायन के अवस्था में से, एकरा लेल उद्योग वाणी संघ घर तोड़बावक लेल जते अग्रसरता लै छे, ओहि के लेल व्यापारी के कोरोना के बीच में क्षतिपूर्ति होबक चाही, ओ में व्यापार संघ चुकै छे, नेता सब से लक भवन बनबै छे, लेकिन व्यापारी के जे अवस्था, खाई के अवस्था छै, रोजी रोटी समस्या में छै, ओकरा पर कोनो चास नै लै छै, ई आरोप अहाँ सब पर है कि? जी, अपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछलिए, अमे बहुते व्यापारी सबके पलायनो होय के अवस्था भ गेलै, बहुते अपने के की कहू बर्बाद भ गेलै, ओकरा बैंक के ब्याज तक चुकाबे के अथी नहीं है, बहुते गोरा अपने सुनले होबे, बहुते अलै नहीं, न्यूजो में नहीं अलै, कते आदमी आत्महत्या तक कऽ लेले छै जेकरा छुपायल गेलै कोरोना काल में, रहले जनकपुर के बनाबे के क्रम में जे मकान सब टूटले, तो निश्चित रूप से जकर मकान टूटले ओका दर्द होते, ओके लागे हमू मतलब ई ऐसे अथी नहीं छी, लोग के भावना के हमू कदर करे छी, उ तो है, तथापि आप अपने देखियो जनकपुर कते सुंदर लगे छी, पहले कोई भी आदमी अपने बाहरों जाए थे तो तपाई को जनकपुर कति फोहर छ, यस्तो छ, त्यस्तो छ, मतलब तपाईहरु जनकपुर में जानकी मंदिर राख्नु भएछ तर सफाई सुथरा छैन कहके हेला करे छले, लेकिन आप जाए थे तो तपाईको जनकपुर तो गजब भयो यार, कसरी भयो यति छिटो, मतलब आप लोग के प्राउडी महसूस जरूर होइ छै कि जनकपुर बनले, तथापि जनकपुर बनले सारा चीज भेले, लेकिन हम नगरपालिका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अइमे कुछ चूक गेल छै, व्यापारी सबके कदर आ सम्मान जोन हिसाब से देखियो कते बड़का बात है कि अइ जग के व्यापारी सब उद्योगी व्यवसाय सब जते अहाँ देखै छी सब तो उद्योगी व्यापारिये सब है ना, बाजार में बाजार है ना टूटली बेसी चारों तरफ, तो सबके व्यवसाय के व्यवसाय नहीं करे तो वही घर भाड़ा से खाई,
आ जे व्यवसाय करे है ओकर अपन घरों है, अपन मन से सब तोड़ल किए, केकरो पाँच पैसा ओके नहीं मिले, मिले के चाहे लेकिन ओते ओते करोड़ों के संपत्ति केकरो एक धूर चल गए, केकरो दू धूर, केकरो डेढ़ धूर, केकरो अढ़ाई अढ़ाई धूर तक चल गई, कते के मूल्यांकन है। लेकिन जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के हम बात रखले चली, हम हरेक मंच पर से हम जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के हमेशा कहते आ रहा छे, आ जत जा तत बोलली कि इनका सबके एगो सम्मान हो के चाहिए, कते टूटले कितना काट भेले उ देवे के चाहिए। अहाँ अभी कर ले छी तो पूरे जमीन के ले छी, उ छोड़ के डेढ़ धूर अढ़ाई तो नहीं ले छी, एक गलत बात है कि नहीं। तो उनका सबके अभी जते है सबके जे टूटले ओका सबके प्रमाण पत्र जकर जे विलय भ गेले अथी भ गेले ओका सबके जनकपुर धाम उपना ओका से कुछ सहयोग के वातावरण होय के चाहिए, ई सब काम नहीं भेले, ई एगो त्रुटि छै। ओय में जनकपुर धाम उद्योग वाणी संघ एकदम सक्रियता पूर्वक अगाड़ी नहीं बढ़ले, सक्रियता पूर्वक अगाड़ी बढ़े के चाहे छलिए, तो अइ जब बहुते रास बात है, आब ई ओना कल के ई एना कल के इहो बोलनाय अच्छा बात नहीं छै। देखियौ हम कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष विधाने में छै कि अध्यक्ष ले न रहे पछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ले वहां को सब, तो हम एगो सलाह के रूप में भ गेलिए, नहीं भ गेलिए सलाह के रूप में। ओना हम सब कार्य समिति खूब बढ़िया से चल अली, सब एकदम आई तक हमरा कार्य समिति में अध्यक्ष जोड़े चाहे वरिष्ठ उपाध्यक्ष केकरो जोड़े कुछ नहीं भेले, ठीक है बात भेले, सलाह द सके छी, कल भेले नहीं भेले जे कलखिन सब बढ़िया भेले रहले। हमर नेतृत्व आते हम अपना कोषाध्यक्ष के कार्यकाल में भी छली तो हमर नेतृत्व लोग देखले छै, तहिया साधारण सभा पूरे भरल रहै छलै, दू दू घंटा जितेंद्र प्रसाद साहब प्रश्न उत्तर के जवाब देले छै, आब दो अवस्था नै छै, आब अवस्था नै छै, आब 10 आदमी नै रहै 20 आदमी नै रहै, कैला कि नै रहै, कैला कि उद्योग वाणिज्य प्रति आम व्यापारी के विश्वास उठ गेल छै। हां जनक एजक के जनकपुर धाम के संपूर्ण उद्योग व्यवसाय देखले, जै समय में कोषाध्यक्ष अहु देखले होबे पूरा हॉल भरल रहै हमर साधारण सभा में, आ ओइ जे हम जवाब देले छी ओइ जे सारा चीज कैले छी, आ महासचिव भेली वहू समय में उद्योग वाणी संघ में अहाँ के हम तैया श्याम साजी आदरणीय पूर्व अध्यक्ष श्याम साजी के नेतृत्व में छली कोषा अध्यक्ष, तहू समय में व्यापार संघ के बहुत भौतिक संरचना के अपने सबके काम भेले, युवा स्वरोजगार के काम सब भेले भेल रहे, ओय के बाद महासचिव में भेली तो हम बहुत बड़का काम कैली, हमर पूर्व अध्यक्ष हीरा साह के अब एकटा बात कहू है ने, तो वहू समय में अपने के बहुत बड़का चुनौती जो हमर आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जी सब पहले से उठाबे छलखिन, उनके फॉलो करके उनके स्मरण करके हम ये जठी के कस्टम नाका जो है से तो हमरा से तो नहीं होते, वो जनकपुर धाम उद्योग वाणी संघ तो पुल के काम करे ने, तो वही में वही समय में हमर भौतिक योजना मंत्री छलखिन हमर आदरणीय दाजू विमलेन्द्र निधि जी, आप जे कलके तो ओकर नाम तो लेबी पड़ते नहीं लेबे तो नहीं भेले, तो उनका से हम बतियली तुरंत अहाँ के अर्थ मंत्रालय में महाशाखा सब में फोन करके तुरंत कलके ना इंडियन एम्बेसी में फोन कल, इंडियन एम्बेसी से हमरा बराबर फोन आबे, एते मतलब फास्ट काम भेले, तो जठी में हम कस्टम जैसे में रेलवे सर्वे सब बंद भ गेल तो जठी में कस्टम के खोलबैली इंडियन से, जबकि दोनों देश के कैबिनेट के बैठक होके वो खोलिए तो वह जब कैबिनेट के बैठक हो जाए तो उ सब रही कागज पत्र सब पेज लेकिन उ सब काम छे बंद भ गेल बुझल गए, तो वही समय में हमरा विमलेन्द्र निधि जी बहुत सहयोग कैलक, तब वो बहुत जल्दी कस्टम है जो बनले से हम वो हमरे संयोजक में हमरे संयोजक बनले छले, वही में हम उद्योग वाणी संघ के पाँच पैसा खर्चा निकले छी, अपने से काठमांडू जनाए अपने से करनाए, लेकिन एगो बात तो रहे कि जते भी सरकारी निकाय रहे चाहे इंडिया गवर्नमेंट के जे पटना में बैठे छथिन चीफ से आ आइज के इंडियन एम्बेसी सारा हमरा संपर्क में रहे, ये सब ट्यूनिंग मिला में विमलेन्द्र निधि जी के बहुत ही बड़का योगदान है जे उ हम करैले, तो हमरा जे चीज के जिम्मेवारी मिलल है हम जिम्मेवारी अपन एकदम फर्ज देखा एकदम केना करे पड़ते से हम कैले छी। रहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभी छलिए तो कोरोना काल चल गेले, एक साल कोरोने काल चल गेले, दू साल आंदोलने में चल गेले, तो क्योंकि अभी आंदोलन आ कोरोना हमरा मौका तो नहीं मिलने ना, हमरा मौका मिलते तो जोन संस्था में देखो हम फैमिली प्लानिंग में आ जा
सभापति भेल देख जाके देखू फैमिली प्लानिंग के स्ट्रक्चर देखू कते बने एगो मिनी हॉस्पिटल देखा अभी लगे देखे में हमरे बनाइल है केंद्र कार्यालय में फैमिली प्लानिंग के कोषा अध्यक्ष भेली जाके हमरा बारे में पूछू कहियो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ से कम के हम सही चेक नहीं कर लेकिन आप जना एगो ईमानदारी एगो व्यवहारिक एगो गंभीरता अइ जैसे ऊपर तक के कर्मचारी सबके वही में बहुते बहुते तलब हुई 2 लाख 3 लाख बराबर विदेशे जाए रहे उससे 5-5 लाख जाए हमरा सबके तो वॉलंटियर के कुछ नहीं मिली लेकिन वहू संख्या में हमारा इतने सम्मान इज्जत केकरो से अहाँ पूछ लेबे तो जितेंद्र प्रसाद शाह अब इतने सब चीज कल के रहले अपन दही के खट्टा कोई नहीं कहे तो बाजार में व्यापारी खुद मूल्यांकन लगाओ अब मान लो आई के धियापुता आई के बच्चा बहुत कम उम्र के आदमी के अहाँ व्यापार संघ में कोनो बड़का पद दे दे छी तो आबे वाला आदमी के तो सोचे पड़ते ना अब हम अध्यक्ष केना बन इतने छोट बच्चा सब अध्यक्ष बन रहले तो दोसर आदमी तो छूट जाते बैक भ जाते तब स्थिति की रहते तो हम ये कहबे कि बुजुर्ग टाइप से आदमी आवे गंभीर टाइप से आदमी आवे मारपीट करला से नहीं हुई बोली से तो मारपीट कर गेले है ना नगर पालिका में तो हम मारपीट आज तक कले नगर पालिका में वही समय के अथी रहे के परिस्थिति रहे परिस्थिति रहे जे बताओ चारा सारा जनकपुर के साइड के नगर पालिका जे नया नया बन लिया ओकरा सब के पास बारून यंत्र छे अपन नगर पालिका के अगारी में आग लागल 4 दिन 5 दिन पहले हाँ फोटो खींचे सारा चीज करे अन्यथा नहीं ले जाते देखियो यथार्थ बात है यथार्थ बात है हम जो जगह छी तखनी हमर फर्ज की कहे तखनी हम समय के हिसाब से सारा चीज कर ली केव आदमी अच्छा कहले होते अब अई बात पर कते टिप्पणी एक गो बात पर करे जाओ हमरा अंदाज से बुझाइए मेयरों साहब ये बात के मनन कैले छथिन उनको हमरा बुझाइए मन में जरूर ग्लानी फील होती के अगर आप सुना मिस्टेक भ गेल उद्योग बांध संघ के सुना तोरे कहियो नहीं गेल छी अहाँ कहली तोरे नहीं वो तखनी के आक्रोश छले ठीक छै ठीक छै हां व्यापारी सब के आक्रोश छले तो उनका सब के हम एगो साथ देबे लागी जिनकर घर जर गेल एगो मलहम लगाबे लागी हम ओइ जा गेल छली ओइमे कोनो अथी नै छै कोनो रणनीति नै छै कोनो अथी नै छै उद्योग बांध संघ के चुनाव में अहाँ सब के अहाँ के खास कर के अपन हेत ने जे एजेंडा हम ई जाके के ई करबे हमर ई चाहना है की चाहना है अहाँ के हम अभी जे जबे तो जनकपुर धाम उद्योग वाणी संघ के बारे में कहे है कि प्रशासन से मेल करके आप है धामी आप है झांकरी बाजार में अहाँ बहुत सुनित हो कि उहे पकड़ा दे है उहे छोड़ा दे है प्रशासन के चिन्हबो नहीं करे जे प्रशासन अबे है तो ओकरा पहले जाके माला पहना दे है सबसे पहले हम इस सब चीज पर रोक लगा के सबसे पहले का काम हम रहते कि व्यापारी के मान सम्मान केना बचे व्यापारी के मान सम्मान बचते तब स्वस्थ फूर्त हिसाब से व्यवसाय होते डरा के धमका के कतौ छापे मरा के कतौ कुछ करा के है ना ये सब काम हम सबसे पहले बंद करबे हमर रिलेशन प्रशासन में व्यापारी में चाहे राजनीतिक दल में सबसे निरंतर हम संबंध मिला के चलबे रहले जनकपुर धाम के हमर सबसे पहले का है कि पर्यटन इंडस्ट्रीज के रूप में स्थापना करना है जे अभी अजय जानकी माता के हिसाब से सारा चीज अभी दर्शन करे है चल जाए अजय एकोटा पर्यटक नहीं पर्यटक केना रुकते वही के लागे पर्यटन के बढ़ा दे की अजय बनावे पड़े कि वही के पुल के काम करके पर्यटन रुके जो 2 दिन 4 दिन ओहन ओहन चीज सब करे पड़ते कि इतने बजे ई हो है तब लोग हाँ अक्षरधाम में गेल हुए दिल्ली में दिल्ली से कते दूर है अक्षरधाम लोग जाए आ वो जो 7 बजे रात से 7:30 बजे रात में फाउंटेन चले वही के लागे 10,000 आदमी रुके आ वो देख के जाए तेहने चीज के हम गवर्नमेंट से जैसे स्थानीय सरकार हो कि प्रदेश सरकार हो चाहे संघीय सरकार हो केना वो चीज सब के वातावरण बनते जब टूरिस्ट सब रुके जब ये टूरिस्ट रुकते तो व्यापार फर्स्ट होते व्यापारी सब कमते बहुत गरीब आदमी सब जब विदेश चल जाए ओकरो सब के तब रोजगार मिले लगते जब टूरिस्ट सब होते तो बहुत रंग के रोजगार है ना जो युवा सब खोज लेते ढौआ तो रोड पर फेंकल उठावे के तरीका होके चाहिए तो जनकपुर आब इस स्ट्रक्चर में चल गए कि आवे वाला समय में टूरिस्ट केना रुके व्यवसाय केना फस्टाए हमर सबसे बड़का अब बेसी जे बोले ही ना से नहीं करे तो हमर एकेटा अभी थीम है कि अ जे टूरिस्ट केना रुके व्यवसाय केना बढ़े पर्यटन के हिसाब से हम वो चीज सब केना आते केकरा पकड़े पड़ते केकरा गोर हाँ जाए ओकरा हम नहीं छोड़बे जोन निकाय होते चाहे जोन पार्टी के नेता है जोन दल के है हम उनका हाथ जोड़ के पकड़ के तो करबे ई बात हमरा अहाँ साल भर के बाद फिर पूछब अगर हम जीत जाए नहीं करब
तब अहाँ हमरा तै समय में ऐसे जे हमरा सजाए देवला ये व्यापारी के चाहते से, लेकिन हम आज तक जे चीज ठानले छी भगवान के दया से, जानकी जी के कृपा, राजदेवी जी के कृपा से, हम जोन चीज में गेल छी ओ चीज हमरा से भ गेल है। आ गाड़ी के हम घमंड तो नहीं करबे, लेकिन हमरा विश्वास है कि भगवान हमरा साथ है, अहाँ सब साथ छी, व्यापारी सब साथ है, हमरा साथ में ना व्यापारी सब, तो हम सब चीज कर लेबे से हम अपने के वचन दे छी। धन्यवाद।